भारत ने शुक्रवार को दूसरे टी डट मैच में आयरलैंड पर 143 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की। यह अंतर्राष्ट्रीय टी डट क्रिकेट में किसी भी टीम की दूसरी बड़ी जीत है। भारत ने दो मैचों की सीरीज पर 2-0 से जीत दर्ज की, लेकिन इसी के साथ भारतीय कप्तान विराट कोहली के लिए समस्या खड़ी हो गई। कोहली ने मैच के बाद कहा, मेरा तो अब सिरदर्द शुरू हो गया है कि किस खिलाड़ी को टीम में शामिल करूं और किसे नहीं। सभी ने शानदार बल्लेबाजी की है, वैसे यह अच्छी समस्या है। यह भारतीय क्रिकेट का अच्छा दौर है जहां युवा खिलाड़ी मिले हुए मौके को दोनों हाथों से भुना रहे हैं। आप उस तरह पर है, कोहली ने कहा। हमारी बैट स्ट्रेंथ ने दिखा दिया कि वो कितनी मजबूत है। विपक्षी टीम हमारे लिए मायने नहीं रखती है और इंग्लैंड के साथ भी ऐसा ही होगा। वहां पिचें अच्छी होगी और हमारे बल्लेबाज उनके गेंदबाजों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। हमारे पास दो कलाई के स्पिनर हैं जो लाभदायक साबित होगा। यदि हमने क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन किया तो यह सीरीज बहुत रोमांचक रहेगी। इंग्लैंड बहुत मजबूत टीम है, लेकिन हमारे पास उन्हें चुनौती देने की क्षमता है। उन्होंने कहा, टीम में सभी खिलाड़ी समान रूप से मेहनत कर रहे हैं और कोई भी खिलाड़ी अपनी जगह को पक्की मानकर नहीं चलता है। सभी खिलाड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, जो सबसे अच्छी बात है। मुझे किसी भी खिलाड़ी को प्रेरित नहीं करना होता है, सभी अपने आप बेहतर प्रदर्शन के लिए कटिबद्ध हैं। भारत ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी डट मैच में केएल राहुल को मौका दिया और उन्होंने 36 गेंदों में 70 रन बना डाले। रैना ने 69 रनों का योगदान दिया तो अंत में हार्दिक पांड्या ने 9 गेंदों में तूफानी अंदाज में 32 रन बनाए। भारत ने इस मैच में उमेश यादव को उतारा और उन्होंने मेजबान टीम को 2 शुरुआती झटके दिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो यूट्यूब की दुनिया चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे नई और ताजा तरीन लेटेस्ट न्यूज।